8 9 8 9 8 7 7 9 0 और एक अभी सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने किया था रांची जिला के ग्रामीण और शहरी थाना क्षेत्र से सभी पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध थे। एक्चुअली इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है आईरेट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, पिछले साल से ये शुरू है 1 जनवरी से। इसमें पोर्टल है ये और उस पर जो भी एक्सीडेंट हम लोग शहरी देहाती क्षेत्र में अगर हो रहा है, छोटी गाड़ी से ही, बड़ी वाहन से या स्वयं हो रहा है, जब भी पुलिस पर्सनल वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँच के जो प्रक्रिया होती है, फोटोग्राफ होता है, हॉस्पिटल में भेजना है, रोड को क्लियर कराना है, समस्त चीज़ों की जानकारी इस डाटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं और FIR से लेके इंक्वायरी तक समस्त 1 महीने के अंदर में उस डाटाबेस में हम लोग अपलोड कर देना, और ताकि सरकार के स्तर पर इसका एनालिसिस करके परिवहन विभाग जो है हम लोगों का वहाँ भी ये डाटा भेजा जाता है। इन फ्यूचर में एक अच्छी प्लानिंग होगी निश्चित रूप से, ताकि एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सकते, लोगों में रोड सेफ्टी का कंसनस जो आया है ये दिलाया जा रहा है, वो चीज़ें हैं। तीसरी बात यह है कि जीवन अनमोल है, कैसे लोगों को हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं, गाड़ियाँ तेज भी चले लेकिन सुरक्षित भी चले, इन समस्त पहलू बिंदु पर लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देके और अपने भी जानकारी रहे और ये डाटाबेस जो हम लोग बना रहे हैं पोर्टल पर अपलोड करके उसका एनालिसिस करके आगे की कार्रवाई होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बताई गई है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का जांच पड़ताल के क्रम में पता नहीं चल पाया कि कौन गाड़ी एक्सीडेंट करके भागा, अगला नुकसान में ज़्यादा पड़ गया या तो एक्सपायर कर गया है या नहीं तो फिर गंभीर चोटें के वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजा की बातें आई है जो सबको बताया गया है और लोगों को मिलेगा भी, ये प्रक्रिया में आ गया है। बहुत लोग जन नहीं जान रहे थे, अगर जो जान गए हैं तो फिर उसको पाइपलाइन में लाना है। हमारे अफसर को भी बहुत सारी की जानकारी नहीं, तो कुछ उसका नॉर्म्स है, तरीका है, उस हिसाब से इसको हमको कम्प्लीट करना। ये अच्छा ही एक सेमिनार था, इस तरह से फिर दूसरा बैच भी आएगा, उस तरह से भी बताया जाएगा लोगों को। तो यह अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, हमको लगता है कि इससे आम जनमानस को फ़ायदा होगा और कंसनस लोगों में आएगा सेफ्टी के प्रति और ट्रैफिक रूल्स के प्रति। थैंक यू वेरी मच।